ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 26 जून 2023, सोमवार का दिन है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। सोमवार के दिन अष्टमी का होना अपने आप में पुण्यदायक माना जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दैनिक राशिफल क्या रहेगा तथा यह भी बताएंगे कि आज का पंचांग क्या रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, सिंह राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में होंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दर्पण में अपना चेहरा देख करके यात्रा आरंभ कर सकते हैं। राहुकाल जो कि प्रातः 7:30 बजे से शुरू होकर के 9 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि राहुकाल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहुकाल कई क्षेत्रों में माना जाता है और कई क्षेत्रों में नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि मिथुन राशि में, वहीं चंद्रमा सिंह राशि में, मंगल ग्रह कर्क राशि में, बुध ग्रह वृषभ राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि मेष राशि में, शुक्र ग्रह कर्क राशि में, शनि देव कुंभ राशि में, राहु ग्रह मेष राशि में तथा केतु ग्रह तुला राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ कर्क कन्या वृश्चिक मकर एवं कुंभ, ये 6 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में इनको उन्नति और प्रगति के उत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ के साथ साथ नई जिम्मेदारी, नया काम इनको मिल सकता है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। दिन उन्नति कारक है। आपकी प्रतिभा व योग्यता के अनुसार आपको अपने कार्यों के उचित परिणाम प्राप्त होंगे। कामकाज तथा करियर को महत्व देंगे, परंतु पहली प्राथमिकता आपकी परिवार ही रहेगी। आपकी संतान को लेकर के आपको फायदा होगा तथा संतान की प्रगति के भी शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। उपाय के रूप में गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आज आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देंगे, साथ ही आपकी अपनी हॉबी संबंधी कार्यों में रुचि रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का प्रेम तथा आशीर्वाद बना रहेगा। सामाजिक कल्याणकारी संस्था में आपका उत्तम योगदान रहेगा, जिसकी वजह से आपकी प्रशंसा होगी। दूसरों के पारिवारिक मामलों में उलझने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। उपाय के रूप में किसी भी गरीब व्यक्ति को आटा या गेहूं का दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कोई शुभ समाचार मिलने से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, धन की आवक जावक लगी रहेगी और परिवार के साथ किसी धार्मिक अथवा सामाजिक आयोजन में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। विवाह योग्य व्यक्तियों की विवाह की बात आगे बढ़ेगी। दिन के दूसरे पक्ष में कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे घर में जो है खुशियां अचानक व्याप्त हो जाएगी। कार्यक्षेत्र में पहले जो आपने मेहनत की थी उसके उत्तम परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। उपाय के रूप में मछलियों को आटे की गोलियां डालना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। इस समय दिल के बजाय दिमाग से काम लेने की आवश्यकता है। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में बनी हुई है, अतः आप अपने काम को पूरी गंभीरता व संजीदगी से अंजाम दे, भविष्य को लेकर कोई सकारात्मक योजना बनेगी। शासकीय कार्यों को सुलझाने के लिए किसी अनुभव व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे उलझे हुए सभी काम आपके सुलझ जाएंगे और कुछ लोग आपके खिलाफ नकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद में कोई भी फल खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका बादामी होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात आपकी सफलता के द्वार खोलेगी। धार्मिक क्रियाकलापों में भी आप व्यस्त रहेंगे।
लोगों के साथ मेलजोल बढ़ेगा तथा पुराने तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। यह समय अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का है, इसलिए पूरी मेहनत से अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहे। दूसरों के मामलों में ज्यादा इंटरफेयर करने से आपको नुकसान हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप गाय को मसूर की दाल रोटी के साथ रख करके खिलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज दिन पूर्णतः व्यस्त रहेगा और शासकीय कार्यों में आपको बड़ी सफलता और विजय हासिल होगी। आप अपनी सूझबूझ द्वारा अपने विरोधियों को परास्त करने में सक्षम रहेंगे तथा अपनी क्षमता को करियर, प्रोफेशन, अध्यात्म आदि कार्यों में लगाएंगे। रोजमर्रा के दैनिक कार्य बड़ी आसानी से पूर्ण होते जाएंगे, परंतु कई मामलों में धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। जल्दबाजी तथा लापरवाही की वजह से कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है। आर्थिक मामलों में स्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। इस समय फिजूल खर्ची पर नियंत्रण आपको रखना बहुत आवश्यक होगा। और उपाय के रूप में पक्षियों को दाने डालना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपको अपने कार्यों के सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे, इसलिए अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहे। साथ ही सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी उपस्थिति बनी रहेगी। भूमि, भवन, वाहन खरीद फरोख्त का काम भी संपन्न हो जाएगा। ध्यान रखें कि आपका ही कोई नजदीकी मित्र आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र फैला सकता है, इसलिए ऐसे लोगों से बचना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। और विद्यार्थी अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही उनको फायदा होगा। और उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में कच्चा दूध और गंगा जल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज अपना ध्यान भावी लक्ष्य की ओर पूरी तरह आप केंद्रित रखें। आपको उचित परिणाम हासिल होंगे और अपने आप में चमत्कारिक रूप से ऊर्जा और आत्मविश्वास आप महसूस करेंगे। लोगों से संपर्क करने का दायरा आपका बढ़ेगा और आपको लाभप्रद स्थितियां निर्मित होगी, परंतु अपनी दिनचर्या संबंधित कार्यों को व्यवस्थित पूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करें। व्यस्तता के बावजूद सामाजिक कार्यों में आपका ध्यान बना रहेगा। कोई भी काम जल्दबाजी न करें और व्यवसाय में बदलाव या परिवर्तन की संभावनाएं प्रबल होगी। कभी कभी मंदी की वजह से मन आपका विचलित हो सकता है। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। समय पिछली गलतियों से या कमियों से सीख लेकर के आगे बढ़ने का है। जो मेहनत आज आप करेंगे उसके दूरगामी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अपने नजदीकी संबंधों को आपको बरकरार रखने की आवश्यकता होगी। अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई नई शुरुआत भी आप करेंगे। कभी कभी फालतू कामों और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में आपका समय व्यतीत होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न करें। और उपाय के रूप में लाल कुमकुम का तिलक लगा करके निकलना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज आप अपनी लोकप्रियता के साथ साथ अपने संपर्क को भी बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। नए मित्र, नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, जिनके माध्यम से आपको एक नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। अपने व्यक्तित्व को आपको और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। आज किसी भी प्रकार का लोन या उधार लेने की योजना न बनाएं, क्योंकि भविष्य में उसे चुकाने में दिक्कतें आपको उत्पन्न हो सकती है। साथ ही किसी भी व्यक्ति के साथ धन संबंधी लेन देन बिल्कुल न करें। कई बार ज़्यादा सोच विचार करने से हाथ से कोई काम निकल सकता है, इसलिए ऐसे कार्यों से आपको जो है सावधानी बरतना चाहिए। और उपाय के रूप में माँ दुर्गा के मंदिर में लाल फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आज कई प्रकार की गतिविधियों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, साथ ही सामाजिक दायरा बढ़ेगा। कहीं से मन मुताबिक आपको फायदा भी होगा, धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। मान सम्मान के साथ साथ संतान की उन्नति और प्रगति के समाचार भी आपको प्राप्त हो सकते हैं।
अनजान व्यक्ति से सावधान रहे। पैसों का लेन देन करते समय परम सावधानी की आवश्यकता होगी। नए लोगों से व्यवहार करते समय भी आपको बच करके रहना चाहिए। और उपाय के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में गुड़ चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज का दिन पारिवारिक तथा आर्थिक दोनों दृष्टि से शुभ फल प्रदान करने वाला है। व्यक्तिगत कार्यों में सफलता मिलने से मानसिक शांति आपको अनुभव होगी। कठिन से कठिन कार्यों के परिणाम आप अपनी दृढ़ निश्चय शक्ति से निकालने में सक्षम हो जाएंगे। कभी कभी दूसरों की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के कार्यों से आपको सावधान रहना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न करें। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपको सही सलाह देगा, जिसके कारण आपको आगे चल करके बहुत अधिक फायदा हो सकता है। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय यदि आप मिश्री और सौंफ खा लेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। भाग्यशाली रंग आपका केसरिया होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।